नमस्कार, मैं भाग्यश्री डोंगे वीकेबी न्यूज की दोपहर की खबरों में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नए संसद भवन पर नया अशोक स्तंभ, पीएम मोदी ने किया अनावरण। नागपुर में सेंधमारी करने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी का कुल 9,89,450 रुपए का माल जब्त। और nutrition.com की ओर से नागपुर में पत्रकार परिषद का आयोजन, साहिल खान का किया गया स्वागत। विस्तार से पीएम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह नए संसद भवन की बिल्डिंग की छत पर कांस्य के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया। इसके बाद उन्होंने नए संसद भवन के काम में लगे वर्कर से भी बातचीत की। बता दें कि नए संसद भवन की छत पर बने कांस्य के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के अनावरण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला भी मौजूद रहे। जान लीजिए कि कांस्य के इस राष्ट्रीय प्रतीक की ऊंचाई 6.5 मीटर है। नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक की ढलाई की अवधारणा और प्रक्रिया मिट्टी मॉडलिंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स से लेकर कांस्य कास्टिंग और पॉलिशिंग तक की तैयारी के 8 अलग अलग चरणों में की गई है। जान ले कि नए संसद भवन पर बने नए अशोक स्तंभ का वजन 9,500 किलोग्राम है। इसे नए संसद भवन के केंद्रीय फोर के शीर्ष पर स्थापित किया गया है। ये भी जान लीजिए कि 6.5 मीटर ऊंचे राष्ट्रीय प्रतीक को सपोर्ट देने के लिए 6,500 किलोग्राम का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बनाया गया है। आज यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्होंने अशोक स्तंभ का उद्घाटन किया। पेंच सिंचाई अनुमंडल अभियंता NS सावरकर पार्श्वनी एवं तहसील कार्यालय के माध्यम से तहसीलदार प्रशांत सागड़े के अनुसार पेंच परियोजना नवेगांव खैरी में बांध के किनारे 21 गांवों को प्राकृतिक आपदा समाधान अधिनियम 2005 के तहत सतर्क रहने को कहा गया है, जबकि बांध के किनारे 21 गांवों के किसानों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। पेंच परियोजना नवेगांव खैरी परियोजना बाढ़ नियंत्रण कक्ष एवं तहसील कार्यालय पार्श्वनी बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार पेंच परियोजना नवेगांव खैरी का कुल क्षेत्रफल 325 मीटर इतना जल भंडार है और आज 10 जुलाई को 126.51 लीटर पानी आ गया है। 82.6% पानी जमा हो गया है। अगर पानी का संरक्षण किया जाता है और 85% पानी का संरक्षण किया जाता है तो आज रात कभी भी पेंच नदी में पानी छोड़ना पड़ सकता है। पेंच नदी के किनारे रहने वाले नागरिकों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। तहसीलदार प्रशांत सांगड़े ने किया तो आज यानी 10 जुलाई को कुसुमधारा तुवरधारा क्षेत्र में मूसलधार बारिश के कारण क्षेत्र के नाले और नदियां उफान पर है। ऐसे में बाढ़ से अन्य गांवों के लिए बड़ा खतरा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वीकेबी न्यूज के लिए पार्श्वनी से कमल यादव की रिपोर्ट। आज शिवसेना की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस बारे में राजसाहेब पाटिल ने जानकारी देते हुए बताया कि 16 विधायकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए अध्यक्षों को सूचित करने के कोर्ट ने आदेश दिए हैं। SC ने तत्काल सुनवाई से इनकार किया। मुख्य न्यायाधीश का कहना है कि मामले में समय लगेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे आज शिवसेनेच्या वतीने सुनील प्रभू यांच्या वतीने कपिल सिब्बल सीनियर काउन्सिल अपेयर झाले होते। त्यांनी मेन्शनिंगमध्ये हे म्हटलं की आज जी 11 तारखेला सुनावणी ठरलेली होती ती आज घेण्यात यावी असा आग्रह माननीय सर्वोच्च न्यायालयासमोर मेन्शनिंगमध्ये सीनियर काउन्सिल यांनी केला, पण माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने ते रिफ्यूज केलं, नाकारलं। आज सुनावणी घेण्यास त्यांनी नकार दिला। त्याचबरोबर सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया यांनीसुद्धा मेन्शन केलं, जो उपाध्यक्षांनी ॲक्शन घेतली होती त्यांच्यावर की कारवाईची, तोपर्यंत त्यांना थांबवण्याची रिक्वेस्ट केली की जोपर्यंत माननीय सर्वोच्च न्यायालयात सर्व प्रकरणं सुनावणीसाठी येत नाही तोपर्यंत त्यांना अभय द्यावा, संरक्षण द्यावं, त्यांच्यावर कोणती कारवाई होऊ नये यासाठी मेन्शन केलं। माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला की जे 16 आमदार आहेत त्यांच्या जी ॲक्शन उपाध्यक्षांनी घेतली होती तोपर्यंत कोणतीही ॲक्शन घेऊ नये, जोपर्यंत माननीय सर्वोच्च न्यायालयासमोर हे प्रकरण सुनावण्यासाठी येत नाही तोपर्यंत कोणती ॲक्शन होणार नाही, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं। त्याचबरोबर यावर कोणतीही स्पष्ट रूपाने तारीख किंवा हेअरिंगसाठी डेट दिलेली नाही,
त्यामुळं आताच केव्हा लागेल हे अजूनपर्यंत स्पष्ट झालेलं नाही। नागपूर के बेलतरुडी पोलीस थाना अंतर्गत बेलतरुडी के साथ ही अंबाझरी बर्डी सोनेगाव में सेंधमारी की घटनाएं सामने आई थी। इस पर कार्रवाई करते हुए बेलतरुडी पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने आरोपियों से चोरी का कुल 9,89,450 रुपए का मुद्देमाल जब्त कर लिया है। आगे की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। वादी रजत नंदकिशोर विश्वकर्मा ने अपना वाहन बेलतरुड़ी स्थित अपने घर पर खड़ा किया था। 24 जून को एक अज्ञात चोर ने उनके घर में सेंध लगाई और चाबी और अन्य सामग्री के साथ साथ वाहन को भी चुरा लिया। शिकायतकर्ता की रिपोर्ट पर नागपुर के बेलतरुड़ी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस को पता चला कि चोरी एक इको स्पोर्ट्स कार के कारण हुई थी। इसके अलावा अंबाझरी बरड़ी सोनेगांव में भी इसी तरह की इको स्पोर्ट्स कार से चोरी की घटना हुई है। आगे की जांच में पता चला कि आरोपी कुछ समय से अपने इको स्पोर्ट्स वाहन की नंबर प्लेट बदल रहा था। जांच करने पर पता चला कि आरोपी बैतूल रोड से आते जाते थे, इसलिए पुलिस ने सभी टोल प्लाजा को सलाह दी कि वे ऐसे वाहनों के संबंध में किसी भी तरह की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस को दे। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा आरोपियों ने आगरा 1, इंदौर 4, उज्जैन 3, भिलवाड़ा राजस्थान 3, जयपुर राजस्थान 4 चोरी करना स्वीकार किया है। इस पर पुलिस आगे की जांच कर रही है। वीकेबी न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चौहान की रिपोर्ट। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। आपका स्वागत। मराठा सेवा संघ जलगांव जिला द्वारा 9 जुलाई को मराठा भूषण पुरस्कार का आयोजन किया गया था। इस वक्त राज्य के मराठा सेवा संघ के पदाधिकारियों को पुरस्कृत किया गया। 9 जुलाई को जलगांव में मराठा भूषण पुरस्कार का आयोजन किया गया था। प्रदेश अध्यक्ष मराठा सेवा संघ शिवश्री मधुकर राव मेहरकर, राज्य महासचिव मराठा सेवा संघ अर्जुन तनपुरे, महाराष्ट्र राज्य कार्यकारी अध्यक्ष मराठा सेवा संघ इंजीनियर अरविंद गावंडे, अमरावती शिवश्री दीपक भडाने, मंडल अध्यक्ष मराठा सेवा संघ श्रीमती माधुरी दीपक भडाने, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जिजाऊ ब्रिगेड, महाराष्ट्र इसे राज्य के मराठा सेवा संघ के पदाधिकारियों को पुरस्कार सौंपा गया, जबकि शिवश्री CR पाटिल, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और सांसद सूरत, शिवश्री ज्ञानेश्वर जी पाटिल, सांसद खंडवा मध्य प्रदेश, शिवश्री चंद्रकांत भाऊ पाटिल, विधायक मुक्ताई नगर, शिवश्री मंगेश दादा चौहान, विधायक 40 गांव को यह पुरस्कार दिया जाएगा। विदर्भ पंढरी के नाम से
प्रसिद्ध धापेवाड़ा में चंद्रभागा के तट पर स्थित स्वयंभू विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में कल श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी। कोरोना आपदा के बाद पहली बार मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। कल यहां विदर्भ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अन्य स्थानों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा से आए थे। आज इथे म्हणजे एकादशीला यात्रा भरते आपली आणि नंतर याच्यानंतर पंढरपूरची यात्रा झाल्यानंतर म्हणजे प्रतिपदेला पूर्णिमा झाल्यानंतर 14 तारखेला इथं आता पूर्ण म्हणजे यात्रा चांगली भरणार आहे। मेन यात्रा आपली ती 14 तारखे प्रतिपदेची असते। हे किती वर्षापासून सुरू आहे ही यात्रा? याला आता 350 वर्ष होऊन राहिली। आता हे कोरोना काळ असल्यामुळे 2 वर्ष यात्रा आमची बंद होती, त्यामुळे यावर्षी यात्रा खूपच म्हणजे जास्त भरून गेली आणि येणारी 14 तारीख जी आहे ते तर आता तुम्ही पाहूच शकता यात्रा याच्यापेक्षा खूप म्हणजे खूप जास्त संख्येत राहणार आहे। तुम्ही आता एकादशीला 50,000 पर्यंत यात्रा जाणार आहे आणि आमचं सगळं असं पाहिलं आम्ही तर प्रतिपदेची जी यात्रा राहणार आहे आमची 14 तारखेला ते 2.5-3 लाखापर्यंत जाईल। नागपूर में रविवार 10 जुलाई दोपहर 2:30 बजे nutrition.com की ओर से स्टाइल फेम बॉलीवुड एक्टर साहिल खान का स्वागत किया गया। इस वक्त nutrition.com की ओर से पत्रकार परिषद का भी आयोजन किया गया था। यह पत्रकार परिषद बजरंग कांच भंडार के सामने झंडा चौक महल में रखी गई थी, जहां लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिली। कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा nutrition.com को जो इस तरह का प्लेटफॉर्म, क्योंकि जब हम लोग ने शुरुआत की थी जिम वगैरह का तो बहुत मुश्किल होता था, ओरिजिनल सप्लीमेंट लेना, फेक सप्लीमेंट मिल जाता था वगैरह, अभी भी है, लेकिन nutrition.com की जो रेपुटेशन है और जो आप सब जानते ही होंगे नागपुर में बहुत फेमस हैं ये, और जेन्युइन सप्लीमेंट मिलना आज की तारीख में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आई थिंक पैसा बहुत वैल्यूबल होता है। हम बड़ी मेहनत से काम करते हैं और फिर एक डब्बा खरीदते हैं और वो ओरिजिनल ना हो या उसकी क्वालिटी बहुत चीप हो तो लूज मोशन होगा और पैसे वेस्ट हो जाएंगे टॉयलेट में। तो nutrition.com से कम ये बात की तो जेन्युइन गारंटी मिलती है कि आपको ओरिजिनल सप्लीमेंट मिलेगा। गोंदिया में प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी जिले के हजारों मुस्लिम भाइयों ने ईद हेतु सुबह 8:30 बजे ईदगाह मैदान पर नमाज अदा कर दुआ मांगी। इस अवसर पर भारी संख्या में मुस्लिम भाइयों ने हिस्सा लेकर सबको ईद की मुबारकबाद देकर गले मिल कर दी। इस वक्त शहर थानेदार तथा रामनगर के थानेदार ने ईद की बधाई दी। वीकेबी न्यूज की दोपहर की खबरों में अब बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।